दोस्तों आज बनाते हैं छोले भटूरे एकदम स्ट्रीट स्टाइल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भटूरा एकदम बैलून जैसा फूल रहा है, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं छोले बनाना। तो सबसे पहले ऑयल लेना है, होली स्पाइसेस, गार्लिक चॉप, गार्लिक को थोड़ा सौते करके उसमें अनियन ऐड करना है, चॉप अनियन। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है, फ्राई करना है। और ये अब हो गया गोल्डन ब्राउन, तब इसमें ऐड करते हैं कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर एंड चना मसाला। और इसको 1 से 1.5 मिनट तक स्टिर करते हुए कुक करना है। उसके बाद इसमें ऐड करना है फ्रेश चॉप टमाटो, और उसके बाद नमक स्वाद अनुसार। तो टमाटो को अच्छे से कुक करना है जब तक कि वो मैश नहीं हो जाता मसाले के साथ में एकदम से। तो ये देखो जैसे कि अभी हमारा टमाटो अच्छे से मैश हो गया है, तो अब इसमें ऐड करते हैं हम बॉयल चिकपी चना, छोले जो हमने बॉयल किए थे। तो इसको बॉयल आने तक कुक करना है, और उसके बाद इसमें ऐड करना है अनारदाना पाउडर जो छोले मसाले का सीक्रेट है। और अब लगाते हैं मैदा फॉर भटूरे के लिए। यह है रिफाइंड फ्लावर, सेमोलिना, सूजी, नमक, शुगर, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें ये थोड़ा ऐड करना है ये ईस्ट थोड़ा सा। अब पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा एक सॉफ्ट डो बनाना है। डो आपका ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, तो एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। वैसे आप एग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम विदाउट एग बना रहे हैं। तो डो को एकदम अच्छे से सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए आपका डो। और ये डो लगने के बाद इसको अच्छे से मसाज करना है, तभी जाके एकदम सॉफ्ट होएगा। और जब आपका डो रेडी हो जाएगा तो इसको 15 से 20 मिनट तक कवर करके रख देना है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं भटूरा फ्राई करना। तो उसके लिए आपका जो ऑयल है वो एकदम हाई हीट में होना चाहिए, ज़्यादा गर्म। तो ये अब स्टार्ट करते हैं भटूरा फ्राई करना। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जब आप भटूरा तेल में डालोगे तो उसको थोड़ा हल्के से प्रेस करना है, जो कि एकदम बैलून शेप में निकलेगा। और ये हो गया हमारा स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे रेडी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट्स और एक लाइक तो बनता है। Thank you very much.